तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटे में 28,700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 500 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 के पार पहुंच गया है। इनमें 3,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 5,53,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी 23,100 के पार पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर कोरोना मामलों में भारत की भागीदारी 12% हो गई है, यानी दुनिया के हर 100 मरीजों में से 12 कोरोना के मरीज भारत से हैं। वहीं अगर दिल्ली मुंबई की बात करें तो यहां पर भी संक्रमण के हालात हालांकि बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में खास करके कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। 24 घंटे में यहां पर 1573 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां कुल केस 1,12,400 के पार पहुंच चुका है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,300 से ज्यादा हो गई है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 92,700 के पार पहुंच गई है। मुंबई में अब तक इस महामारी से 5,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। महानायक अमिताभ बच्चन कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे अभिषेक बच्चन भी नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को होम क्वारंटीन किया गया है। बिग बी के घर पर काम करने वाले 26 स्टाफ मेंबर्स निगेटिव निकले हैं। इस पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या ताजा अपडेट है बिग बी की सेहत को लेकर और बाकी डेवलपमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिग बी की सेहत में जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बताया जा रहा है। हमें जो सोर्सेज वो बता रहे हैं कि उनकी जो खांसी थोड़ी सी उन्हें जो थी या कफ था उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। दूसरी जानकारी ये है कि बीएमसी ने बच्चन परिवार के जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो कवायद शुरू की थी उसमें 54 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी। इस 54 लोगों में 26 लोगों को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट पाया गया था और इनका स्वैब टेस्ट किया गया था। इनकी रिपोर्ट आ गई है, जैसे कि आपने कहा ये सभी 26 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन जो बाकी के जो 28 लोग थे इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, उन 28 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं था उनमें, इसलिए उन्हें भी होम क्वारंटीन रहने की हिदायत बीएमसी ने दी है। ये 28 लोगों में वो 6 लोग भी शामिल हैं जो कि मुंबई के एक डबिंग स्टूडियो में काम करते थे। ये वही डबिंग स्टूडियो जहाँ पे अभिषेक बच्चन हाल फिलहाल में गए थे। तो एक राहत की बात यह है कि जितने 54 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया था वे सभी के सभी खतरे से बाहर हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या और आगाध्या जो है वो भी असिम्टोमेटिक हैं, इसीलिए उनके लिए भी चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। और अभिषेक और अमिताभ जी के सेहत में भी सुधार आया है, ऐसी जानकारी मिली। कुल मिलाकर के बच्चन परिवार के जितने जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उन्हें प्यार करने वाले हैं, उनके लिए राहत वाली खबर है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर जो है वो मुंबई के लिए भी सामने आ गई है। बीएमसी कमिश्नर ने खुद ये जानकारी दी है कि मुंबई में कोरोना का जो डबलिंग जो रेट है वो अब 50 दिन का हो चुका है। ये अपने आप में पूरे देश में सबसे ज़्यादा होने का दावा बीएमसी ने किया है। इतना ही नहीं, अब जो रोज़ाना आने वाले जो मामले हैं उसका भी आंकड़ा 1400 से गिर के 1200 हो गया है। 1200 केसेस जो नए आ गए हैं उनमें सिम्टोमेटिक केसेस 200 के आसपास हैं, यानी कि ये वो केसेस हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है। तो रोज़ाना उन्हें सिर्फ 200 नए बेड्स की ज़रूरत है मुंबई में, ये ताज़ा तस्वीर है। ऐसे में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बीएमसी का कहना है कि हमारे पास 7,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं और 250 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे में अगर कोई नया केस आता है तो उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत वाली खबर मुंबई से नजर आ। चिंता करने की बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात राकेश आपने बताई है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और राकेश ने एक अच्छी बात ये बताई है कि डबलिंग रेट मुंबई में 50 दिन का हो गया है, ये एक राहत की बात है। और दूसरी तरफ जो बीएमसी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड की भी किल्लत नहीं है, तो अच्छी बात है कि पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर लोगों का हो पाए।